हिमाचल और उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे यमुनानगर जिले का कलासर का नेशनल पार्क फिर से चर्चा में है। चर्चा की वजह है करीब 110 साल बाद नेशनल पार्क में दिखाई देने वाला बंगाल टाइगर। 18 और 19 अप्रैल की देर रात बंगाल टाइगर जंगल में चहलकदमी करते वक्त जंगल में लगे क्लिक एंड फ्लैश कैमरे में कैद हो गया। जब कैमरे की फुटेज देखी गई तो वहां कार्यरत कर्मचारियों ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद बीते कल वहां की दो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हालांकि इस दौरान कई लोग इसे अफवाह भी बता रहे थे, लेकिन कल शाम इन फोटो को जब वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने खुद सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया, तब जाकर कलेसर नेशनल पार्क में बाघ की चहलकदमी पर मुहर लगी। इस दौरान मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने खुशी जताते हुए लिखा कि जिस तरह प्राकृतिक रूप से जंगली जानवरों का संरक्षण होना चाहिए, उसकी ये बखूबी तस्वीर नेशनल पार्क से सामने आई है। उन्होंने कहा कि 110 साल बाद हरियाणा के इस नेशनल पार्क में बाघ दिखना गर्व की बात है। वहीं उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से भी यमुनानगर के इस क्षेत्र को लगातार विकसित किया जा रहा है। हथिनी कुंड में भी पर्यटन के बढ़ावे के लिए पार्क बनाया गया है। ये अच्छा संकेत है, मतलब जो प्राकृतिक रूप से जो संरक्षण होना चाहिए जंगली जानवर का, मैं समझता हूँ काफी अच्छा है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद बहुत लंबे टाइम के बाद 90-100 साल के बाद यहाँ शेर दिखाई दिया। उससे पहले शेर होते थे, लेकिन अब उसके बाद शेर दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब दिखाई दिया, तो अच्छा लक्षण है। और इसी प्रकार से दूसरी साइड से हाथी भी पिछले 20-25 साल से हाथियों का आना भी यहाँ उसकी शुरुआत हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है अच्छे संकेत हैं। और पर्यटन को लेके इसको आप किस तरह दृष्टि से देखते हैं? देखिए, पर्यटन की दृष्टि से हम इस पर काम कर रहे हैं, और जल्दी हम यहाँ जो हथनी को डैश का टेंडर करने जा रहे हैं, तो यहाँ उससे अभी भी काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों का आना जाना शुरू है। और अभी हमने काफ़ी पैसे खर्च करके लगभग 12 करोड़ के करीब हमने राशि खर्च की है, और वहाँ पे एक पार्क का निर्माण किया है। हालांकि पार्क का डेवलप होने में तो भी टाइम लगेगा, जो उसका स्थूल कार्य था वो तो सारा है लिया, लेकिन घास लगाना, पेड़ लगाना वो भी बाकी है। तो जल्दी वो सारा भी पूरा हो जाएगा, और फुहारे वगैरह जो भी हैं सारे चल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ उसके आने से और भी पर्यटक बढ़ेंगे। इसके साथ ही देखिए, कैमरे में ही इसका पता चला है कि शेर यहाँ है। अब ऐसे तो कोई शेर हमें मिलने नहीं आया वहाँ से, तो वो कैमरे में ही दिखाई दिया कि शेर है, और हमने कैमरे लगा रखे, काफी अच्छी संख्या में कैमरे लगे हुए हैं, तो उस कैमरे में ही दिखाई दिया, उससे ही पता चला कि शेर यहाँ है। आपको बता दें कि एक तरफ कलेसर नेशनल पार्क उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ हिमाचल के घने जंगलों से अक्सर तीनों प्रदेशों के जंगली जानवर इधर से उधर विचरण करते ही रहते हैं। माना जा रहा है कि ये बाघ भी उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क से इस तरफ आया है। वहीं बात करें तो कलेसर नेशनल पार्क में जंगल सफारी भी करवाई जाती थी, लेकिन कोरोना के समय जंगल सफारी बंद होने के बाद दोबारा शुरू नहीं हो पाई। अब देखना होगा कि विलुप्त होती प्रजाति के 110 साल बाद दिखने पर क्या जंगल सफारी की तरफ दोबारा कदम उठाया जाएगा। यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।